हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू द चैनल पाथ टू सक्सेस। आज का मेरा ये जो वीडियो है ये यूनिट 7 एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी के मॉक टेस्ट से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैंने 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। आप लोग जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करते हैं तो जो इनके 4 ऑप्शंस दिए हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्वेश्चंस के आंसर के साथ ही, तभी आप लोगों का वो जो चैप्टर है पूरी तरह से तैयार हो पाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। लिस्ट 1 में हमने इन्वायरमेंटल लॉज दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनके ईयर्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा एनवायरमेंटल लॉ और जो उसका ईयर है वो गलत दिया हुआ है। तो ए है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें लिस्ट 2 में ईयर दिया हुआ है 1973। बी है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जिसके सामने दिया हुआ है 2002। सी है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके सामने दिया हुआ है 1972। डी है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जिसमें दिया हुआ है 1974। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जूलियन स्टीवर्ड कॉइंड द टर्म कल्चरल इकोलॉजी। ए है द कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ कल्चरल इकोलॉजी, बी है इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, सी है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, डी है एरिया रिसर्च थ्योरी एंड प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ डे इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन विच डेट। सिंपल वर्ड्स में अगर इसको समझे तो अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 22 अप्रैल, बी है 5 जून, सी है 31 मई, डी है 11 मई। क्वेश्चन नंबर 4, When was the term social forestry used for the first time in India? Option A है 1972, B है 1976, C है 1978, D है 1979। Question number 5, The report named Our Common Future, also known as Brundtland Report, a document विच क्वाइंड एंड डिफाइन द मीनिंग ऑफ द टर्म। यानी आप लोगों को बताना है आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट थी उसमें कौन से गिविन टर्म को इंट्रोड्यूस किया था ब्रंडलैंड रिपोर्ट में। तो ऑप्शन ए है एजेंडा 21, बी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी है अर्थ समिट, डी है बायोडाइवर्सिटी। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये मतलब होता है कि अवर कॉमन फ्यूचर में या ब्रंडलैंड रिपोर्ट किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ए है एजेंडा 21, बी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी है अर्थ समिट, डी है बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। तो लिस्ट 1 में डिजास्टर्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उनके कॉजेज दिए हुए हैं। तो लिस्ट 1 में सबसे पहला है यानी ए है भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके सामने है ऑयल स्पिल, बी है चेर्नोबिल, उसके सामने है न्यूक्लियर डिजास्टर, सी है द मिनामाता डिजीज, उसके सामने मर्क्यूरी पॉइजनिंग, डी है तंबूरा डिजास्टर, जिसके सामने है वॉल्केनिक इरप्शन। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा मैच जो था इसमें से ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी इन हिज बुक मैन इन हिज एनवायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी जो टर्म है ये पहली बार किस बुक में इंट्रोड्यूस किया था, मैन इन हिज एनवायरमेंट। तो आप लोगों को बताना है कि किसने इंट्रोड्यूस किया है इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी और मैन इन हिज एनवायरमेंट किसकी बुक है। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, बी है राइले डनलप, सी है क्राइग हम्फ्रे और डी है सैमुअल क्लाउजनर। क्वेश्चन नंबर 8, द बुक एनवायरनमेंट एनर्जी एंड सोसाइटी इज रिटन बाय।
ऑप्शन ए है लेस्टर डब्ल्यू मिलब्राथ एंड बर्बरा वी फिशर, बी है डैनियल स्टॉकहोल एंड इरविन एटमल, सी है क्राइग आर हैम्फ्रे एंड फ्रेडरिक एच बटल, डी है विलियम आर कैटॉन एंड राइले डनलॉप। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द ओवरवेमिंग डायरेक्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज, तो UNFCCC जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने डिफॉरेस्टेशन के सबसे बड़ा रीजन क्या बताया है, ए एग्रीकल्चर, बी माइनिंग, सी क्लाइमेट चेंज, डी डेजर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 10, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी, ऑप्शन ए है अर्नेस्ट हैकल, बी है मारे बुकिन, सी है जिलबर्ट व्हाइट, डी है फ्रेडरिक क्लीमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड सोशल इकोलॉजी एम्फसाइजेस दैट द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ गोज हैंड इन हैंड विद द डेस्टिनी ऑफ नॉन ह्यूमन वर्ल्ड, ऑप्शन ए है अर्नेस्ट हैकल, बी है मारे बुकिन, सी है गिलबर्ट व्हाइट, डी है फ्रेडरिक क्लीमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल पार्क थ्योरी, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है वेरियर एल्विन, सी है एम गाडगिल, डी है बी के रॉय बर्मन। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, ऑप्शन ए है 1927, बी है 1939, सी है 1865, डी है 1988। क्वेश्चन नंबर 14, लैंड एक्विजिशन एक्ट इन 1894, दिस एक्ट ऑथराइजेस द गवर्नमेंट टू हैव अ कंट्रोल ओवर, तो आप लोगों को बताना है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 किससे रिलेटेड था, किस पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, ऑप्शन ए है पब्लिक लैंड, बी है प्राइवेट लैंड, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट, ए है वेरियर एल्विन, अ फिलोसफी ऑफ नेफा, बी है एन के दीक्षित ट्राइबल्स इन इंडिया, सी है एम गाडगिल इंडियाज डिफॉरेस्टेशन, डी है के पढ़ी इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसीज इन द इंडिजिनस पीपल। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विथ चिपको मूवमेंट, ऑप्शन ए है अमृताबाई, बी है सुंदरलाल बहुगुना, सी है गौरा देवी, डी है किंकरी देवी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज एसोसिएटेड विथ नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी NBA, ऑप्शन ए है किंकरी देवी, बी है सरला त्रिपाठी, सी है मेधा पाटकर, डी है मेनका गांधी। क्वेश्चन नंबर 18, वंगारी मथाई इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मूवमेंट, ऑप्शन ए है फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, बी है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, सी है ग्रीन पॉलिटीज, डी है ग्रीन पीस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन पीस वॉज फाउंडेड बाय ए इरविंग स्टोवी एंड डोरोथी स्टोवी, बी वंगारी मथाई, सी जेनिफर मॉर्गन, डी पैट्रिक मोरे। क्वेश्चन नंबर 20, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो लिस्ट 1 में लीडर्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में मूवमेंट्स दिए हुए हैं, इन लोगों को आपको मैच करके कोड बताना है। तो ए में दिया है किंकरी देवी और लिस्ट 2 में 1 है चिपको मूवमेंट, बी है गौरा देवी, 2 है सेव साइलेंट वैली, सी है ममता, 3rd है माइनिंग, डी है सुगता कुमारी और 4 है अपिको मूवमेंट। तो ये जो लीडर्स हैं और जो ये मूवमेंट्स दिए हुए हैं इनको आपको मैच करके, नीचे मैंने कोड्स प्रोवाइड किए हैं उनमें से बताना है आपको कौन सा कोड सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 का थीम क्या था ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है बीट एयर पॉल्यूशन, बी है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, सी है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, डी है गो वाइल्ड फॉर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द ऑथर ऑफ द मोनोग्राफ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन ए है डोनाल्ड ह्यूग्स, बी है रामचंद्र गुहा, सी है एल फ्यूरबाक, डी है फ्रांसिस जिमरमैन। क्वेश्चन नंबर 23, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम IPCC भी कहते हैं, इज द यूनाइटेड नेशन बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज वॉज क्रिएटेड बाय? तो यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो क्या करती है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सर्च करती है, रिसर्च करती है। तो आप लोगों को बताना है कि ये किन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसको क्रिएट किया था। तो वन है इन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी UNEP कहते हैं इसे। टू है द वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WMO भी कहते हैं। थ्री है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसे हम GEFB कहते हैं। फोर है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम ISA कहते हैं। तो नीचे मैंने कोड्स प्रोवाइड किए हैं, इन कोड्स में से देखकर आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, द लॉन्च ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज अनाउंस बाय? तो यहाँ पे भी वन दिया हुआ है मिस्टर नरेंद्र मोदी, टू है मिस्टर बानकी मून, थ्री है एंटोनियो गुतरेस, फोर है मिस्टर फ्रैंकोइस होलैंड। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 3 और 4, डी है 1 और 4। तो आप लोगों को सही कोड चुन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 विच आर रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो लिस्ट 1 में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में हमने टाइटल्स दिए हुए हैं। आप लोगों को बताना है कि लिस्ट 1 में जो गोल दिए हुए हैं वो सही मैच लिस्ट 2 से कौन सा है? तो ए है लिस्ट 1 में गोल 1 और लिस्ट 2 में फर्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, बी है गोल 6 लिस्ट 2 में सेकंड है नो पॉवर्टी, सी है गोल 7 और थर्ड है क्लाइमेट एक्शन, और डी है गोल 13 जिसमें लिस्ट 2 में फोर्थ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो आप लोगों को इन गोल्स को उनके टाइटल्स के साथ मैच करके, नीचे मैंने कोड्स दिए हुए हैं, आपको सही आंसर यानी सही कोड चुन करके बताना है। तो स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी से रिलेटेड जो ये 25 क्वेश्चंस थे ये आप लोगों को कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या नंबर ऑफ मोर वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स में ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब व्यूअर्स बढ़ते हैं तो उससे हम लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है और भी नंबर ऑफ़ वीडियोस बनाने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड ऑल द बेस्ट।